हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लेम इमिशन या फ्लेम स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन एंड फ्लेम स्पेक्ट्रोमेट्री सब कुछ देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो मेरे एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के लिए ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन पूछे गए थे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इन दैट फर्स्ट वन, व्हाट इज़ द फ्लेम फोटोमेट्री? तो फोटोमेट्री एक, इट इज़ अ इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने देखा होगा IRUV स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एब्सॉर्प्शन बेस पे वर्क करती है, पर ये फ्लेम फोटोमेट्री इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे वर्क करती है। फ्लेम मतलब फायर, और उससे हमको कंपाउंड फाइंड आउट करना है, तो आगे हम देखेंगे। इट इज़ अ इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज़ बेसिकली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलिन अर्थ मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये एक अल्कली टाइप ऑफ मेटल्स है। और अल्कलिन अर्थ मेटल्स इज कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बैरियम। सो प्रिंसिपल बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, इट इज़ अ इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। और बेसिकली डिटेक्शन करता है एलिमेंट्स का और मेटल्स का, फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स एंड अल्कलिन मेटल्स। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सैम्पल एंड इसमें एक सोल्यूशन प्रेजेंट है और इसमें कुछ मेटालिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ओके। तो मेटालिक पार्टिकल कौन से हमने बताए, अल्कली एंड अल्कलाइन। सो फॉर एग्जाम्पल सोडियम, बैरियम, लिथियम, कौन सा भी एक पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है सोल्यूशन में। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि इस सॉल्यूशन में कौन सा पार्टिकल चेंज है? तो ये डायरेक्ट जाता है फ्लेम के पास। तो कैसे जाता है, आप अगले बाद में आप देख लेना, थोड़ा पेशेंस रखना। सो ये जाने के बाद ये फ्लेम जो होता है, ये फ्लेम इजीली डिटेक्ट करता है कि मेटल में कौन सा, सॉल्यूशन में कौन सा मेटालिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ओके। सो आप अभी के लिए इतना याद रखना, ये एक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है और इसका डिटेक्शन अल्कली एंड अल्कलिन अर्थ मेटल्स के लिए किया जाता है, ओके। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द बोथ टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यू नो क्वालिटेटिव मीन्स एक्सेलेंस परफॉर्मेंस और क्वांटिटेटिव मीन्स अमाउंट। तो ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फ्लेम, ओके। और फ्लेम को हमने देखा कि इसमें एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल में से आप कौन सा भी पार्टिकल्स ले सकते हो, सोडियम लिया हमने। और ये आगे इंस्ट्रूमेंटेशन में देखेंगे, फ्लेम यूज़ किया। तो फ्लेम यूज़ करने के बाद सोडियम का कलर, जब सोडियम का मेटल कंपाउंड होगा तो कलर आएगा इसका येल्लो। तो ये फ्लेम येल्लो कलर का हो जाएगा, ओके। ये येल्लो नहीं है पर आप समझ लेना, येल्लो कलर का हो जाएगा। सो ये येल्लो क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सोडियम पार्टिकल प्रेजेंट है इसलिए येल्लो हुआ। तो ये क्या हुआ, हमको ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल गई और डिटेक्शन भी हुआ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ कंसेप्ट आर यूज इन दिस मेथड, ओके। सो अब नेक्स्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इस पे ये बेस है। एंड मेटल इंट्रोड्यूस इनटू फ्लेम, कौन सा मेटल इंट्रोड्यूस हो रहा है फ्लेम में, मतलब क्या देखा, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अल्कलिन अल्कलाइन मेटल यूज़ किया जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बैरियम। क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव टेक्निक एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी कैन ईजिली डिटेक्टेड, एंड मेटल विच मेटल आर प्रेजेंट वो भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। सो व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इमिशन फोटोमेट्री? सो लिक्विड सैंपल कंटेनिंग मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लेम एंड सॉल्वेंट इज इवेपराइज एंड लीव द सॉलिड रेसिड्यू एंड विच आर अगेन वेपराइज इन गैसियस फेज। मतलब इसमें क्या लिखा है, ये एक लिक्विड सैंपल है, इसमें क्या है, मेटालिक सॉल्ट प्रेजेंट है, ये मेटालिक सॉल्ट प्रेजेंट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट इज वेपराइज। जब ये हीट के पास जाता है, हीट के पास जाने के बाद क्या होता है, जो गैस होता है और वेपर होता है वो तो
डायरेक्टली हीट के कॉन्टैक्ट की वजह से ऊपर चला जाता है, मतलब जो पानी का डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है, पर बाद में क्या बचता है, सॉलिड कंपाउंड बचता है। पर सॉलिड कंपाउंड छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, तो सॉलिड कंपाउंड इसमें आ जाता है और सॉलिड कंपाउंड का डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्जन होता है। सॉलिड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू गैस फेज, दिस इज नोन एज द सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन प्रोसेस यहाँ पर होती है। आपने देखा यहाँ पर एक लिक्विड सैंपल है जिसमें मेटालिक सॉल्ट प्रेजेंट है और वो इंट्रोड्यूस किया है फ्लेम में। ओके, फ्लेम में इंट्रोड्यूस करने के बाद सॉल्वेंट वेपराइज्ड हो जाता है और सॉलिड पार्टिकल बचता है। सॉलिड पार्टिकल अगेन वेपराइज इन गैसियस फेज, इट मीन्स सब्लिमेशन होता है। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट इज द गैसियस स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इंटू न्यूट्रल एटम एंड स्प्रे इंटू द फ्लेम विद द हेल्प ऑफ एटमाइजर एंड नेबुलाइजर। तो ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है, गैसियस फेज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इंटू द एटम एंड स्प्रे। तो ये यहाँ पर एक स्प्रे होता है। तो क्या होता है, सैंपल होता है, इधर एक एटोमाइजर होता है जो कि ये लिक्विड होता है, ये ऊपर खींचने का काम करता है। और ऑटोमाइजर क्या करता है, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्प्रे करके इसे स्पेरिंगली वो पार्टिकल्स जाते हैं। मतलब ऑटोमाइजर क्या करता है, लिक्विड सैंपल को ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्टेड करने का काम करता है और ड्रॉप जो लिक्विड होता है उसके टुकड़े टुकड़े करने का काम होता है। मतलब यहाँ पर पानी वो पूरा खींच लेगा, आई मीन सैंपल पूरा खींच लेगा और बाद में क्या, ड्रॉपलेट फॉर्म में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लेते हैं, तो इसमें क्या किया, इसने पूरा पानी इस पाइप से ऊपर ले लिया और बाद में ये पंप करने के बाद वो पानी क्या हो गया, स्प्रे हो गया यहाँ से। तो सेम ऑटोमाइजर का यही कंसेप्ट है कि पानी खींच लेना और बाद में स्पेरिंगली ड्रॉपलेट कन्वर्ट करके वो श्रिंक कर देना या स्प्रेड कर देना। ओके, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर गेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब द थर्मल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या करता है, ये ग्राउंड स्टेट में और क्या करता है, वो कहाँ पर जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाता है, क्योंकि वो थर्मल एनर्जी यूज़ करता है। थर्मल एनर्जी, फॉर एग्जांपल इसमें हीट लग गया और यहाँ पर हीट लगने की वजह से मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी एंड इट गिव्स द कलर ऑफ द फ्लेम टेल्स अबाउट द मेटल। जब यहाँ पर मेटल प्रेजेंट है और जब फ्लेम में मेटल्स प्रेजेंट होंगे और वो जब हीट प्रोवाइड करेगा, तो फॉर एग्जांपल हमने देखा सोडियम है, तो सोडियम कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, येलो। तो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा कलर कौन सा है, मेटल कौन सा है, कलर येलो आ रहा है तो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन सा मेटल है। और कलर इंटेंसिटी टेल अबाउट द अमाउंट, मतलब ये कलर है, ये कलर बहुत ज़्यादा है येलो कलर, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो दिस इज़ दी प्रिंसिपल बिहाइंड दी फ्लेम फोटोमेट्री। सो आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और वो फ्लेम के साथ जाके डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वेवलेंथ भी दिखाई है। फ्लेम ऑफ द कलर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा सोडियम, सोडियम का कलर कौन सा आता है, येल्लो कलर। वेवलेंथ 589। ओके, हम वेवलेंथ चेक करते हैं यूजिंग द रिकॉर्ड सिस्टम, उसमें 589 वेवलेंथ होगा। पोटेशियम का वायलेट कलर, बैरियम का ग्रीन कलर, कैल्शियम का ऑरेंज कलर और लिथियम का रेड कलर। तो अब हमने वो देख लिया है कि कौन सा कलर मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ दी बोर्स इक्वेशन। तो यहाँ पर बोर्स इक्वेशन यूज़ किया जाता है। बोर्स इक्वेशन में क्या कहते हैं, ये अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द प्रोसेस को एक्सप्रेस करता है। कितनी अमाउंट ऑफ द एनर्जी प्रोसेस में यूज़ की गई है वो एक्सप्रेस करने का काम बोर इक्वेशन का है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बताया गया है, वो आप अच्छे से याद रख लेना। सो नेक्स्ट वन इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द फ्लेम फोटोमीटर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक सैंपल कंटेनिंग रिजर्वायर है, उसमें कुछ मेटालिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, वो कलर में दिखाया है और ये सैंपल ब्लू में दिखाया मैंने। और ये एक पूरा बर्नर है जिसमें बर्नर में क्या है, फ्यूल भी है,
बर्नर को क्या लगता है, फ्यूल लगता है, और क्या लगता है, ऑक्सीजन लगता है, और ऑक्सीजन और एयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर एक ऑटोमाइजर ऐड किया है, ओके, और वो हमारा कनेक्टेड है कहाँ पर, ये सैंपल में कनेक्टेड है। यहाँ पर एक फ्लेम है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, लेंस, स्लिट, एंट्रांस स्लिट, एग्जिट स्लिट, क्रोमेटोमीटर और फोटो डिटेक्टर एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो दिस इज दी पार्ट्स ऑफ द फ्लेम फोटोमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं सैंपल डिलीवरी सिस्टम, मतलब ऑटोमाइजर देख लिया, नेबुलाइजर, तो ये सैंपल को डिलीवर करते हैं, इसलिए सैंपल डिलीवरी सिस्टम। देन सोर्सेस, देन मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर, रीड आउट सिस्टम, स्लिट एंड मिरर। तो यहाँ पर वर्किंग देख लेते हैं। देखो हमने क्या देख लिया, एक कंटेनर है, उसमें सैंपल है, और सैंपल सॉल्यूशन में मेटालिक पार्ट्स प्रेजेंट है। तो अब हमको ये पता नहीं है कि ये सोडियम है, कैल्शियम है, कौन सा मेटल है, तो क्या करेंगे, ये बर्नर है, बर्नर को क्या लगता है, फ्यूल और ऑक्सीजन लगता है, और हमने यहाँ पर ऑटोमाइजर ऐड कर दिया। तो ऑटोमाइजर का काम क्या है, हमने देख लिया है कि लिक्विड को खींच लेना, और खींचने के बाद वो लिक्विड को कन्वर्ट कर देना ड्रॉपलेट फॉर्म में। ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो लिक्विड है ना, इट ब्रेक्स अप अ लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करता है कि है ना, यहाँ पर एक फ्लेम रहता है, फ्लेम पे वो ऐसे स्पायरिंगली चला जाता है, मतलब यहाँ पर फ्लेम भी है और हमारा लिक्विड ऐसे स्पायरिंगली जा रहा है, और वो लिक्विड क्या हो रहा है, जल रहा है, मतलब इसमें लिक्विड जल रहा है। तो जो लिक्विड होता है वो डायरेक्ट फ्लेम का कांटेक्ट आने से क्या होता है, जल जाता है और वेपर गैस फेज में चला जाता है, मतलब लिक्विड गोइंग टू द गैस फेज। मग फिर बाद में क्या बचता है, सॉलिड कंपाउंड बचता है, और सॉलिड कंपाउंड जब जलता है तो कलर प्रोड्यूस करता है। तो हमने ये सोडियम देख लिया, येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसमें सोडियम प्रेजेंट है, और येलो कलर प्रोड्यूस करने के बाद जब सॉलिड पार्टिकल्स पूरी तरह जल जाता है तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस फेज में, इट इज़ नोन एज द सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, जब लिक्विड यहाँ पर स्प्रेड होता है तो वहाँ पर फायर भी होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर होता है, हमको यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बिठाना है, क्योंकि पार्टिकल्स इधर उधर चले जाते हैं, वो कुछ पार्टिकल्स इधर जाएंगे तो कॉनकेव मिरर नहीं होगा तो वो वेस्ट हो जाएंगे, और हमको प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ द अमाउंट, क्वांटिटी, क्वालिटी कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर लगा दिया। कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो पार्टिकल्स और वो एब्सॉर्ब कर लेता है, और ग्लास की वजह से वो अगेन रिफ्लेक्ट कर देता है। ये करने के बाद यहाँ पर एक लेंस बिठाई हुई है, लेंस सब पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब कर लेती है। उसके बाद यहाँ पर एक एंट्रांस स्लिट होती है, एंट्रांस स्लिट का काम क्या होता है, सारे पार्टिकल्स को वन बीम में कन्वर्ट करने का। वन बीम में कन्वर्ट करने के बाद एक ही बीम पास होती है मोनोक्रोमेटर के पास। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कन्वर्टेड इनटू द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब जो भी यहाँ पर रेज आ रही है और वो रेडिएशंस आ रहे हैं, वहाँ पर मोनोक्रोमेटर यूज़ करके पॉलीक्रोमेटिक लाइट कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट में यहाँ पर ये पास हो गई, दिस इज़ द एंट्रांस स्लिट, दिस इज़ द एग्जिट स्लिट, ओके। पास होने के बाद यहाँ पर फोटो डिटेक्टर होते हैं। फोटो डिटेक्टर का काम क्या होता है कि डिटेक्टर डिटेक्ट दिस सिग्नल्स एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू अगेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब डिटेक्टर ये सारे सिग्नल्स क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद रिकॉर्डिंग सिस्टम है, हमको जो हमारा एब्सॉर्बेंस स्पेक्ट्रा है वो इजीली यहाँ पर फाउंड हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल, अब हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का कलर है ऑरेंज और वो 622 में आता है। तो यहाँ पर कैल्शियम के पार्टिकल्स है, यहाँ पर ऑटोमाइजर ने ये पूरा सैंपल खींच लिया, यहाँ पर आ गया कैल्शियम में, तो ऑरेंज कलर आएगा। ऑरेंज कलर आने के बाद रिकॉर्डिंग सिस्टम में क्या होगा, 622 नैनोमीटर वेवलेंथ, नैनोमीटर में ये करते हैं, 622 नैनोमीटर में वेवलेंथ हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, तो हमको पता चलेगा कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन दिस मेटालिक कंपाउंड एंड सैम्पल।
तो नेक्स्ट है सैंपल डिलीवरी सिस्टम। तो अभी इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन और उसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उस वो क्या वर्क करता है वो देख लेंगे। आपको होप आपको इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आ गया होगा। तो सैंपल डिलीवरी सिस्टम में क्या है, नेबुलाइजर है। क्यों नेबुलाइजर नहीं तो ऑटोमाइजर, दोनों भी यूज़ करते हैं। दोनों का काम यही है कि लिक्विड को खींचना और उसका कन्वर्ट करना ड्रॉपलेट फॉर्म में। एरोजोल मोल्डिफायर एंड फ्लेम एंड ऑटोमाइजर, इट इज़ अ कम्प्लीट सिस्टम विच डिलीवर द सैंपल इन टू द फ्लेम। वो यहाँ पर है, ऑटोमाइजर नेबुलाइजर कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऑटोमाइजर, इट जनरेट द वेपर फ्रॉम एनालाइट विच गेट द एक्साइटेड बाई द थर्मल एनर्जी ऑफ फ्लेम। इट कन्वर्ट द एनालाइट इन टू फ्री फॉर्म। मतलब ऑटोमाइजर क्या करता है, वो थर्मल एनर्जी क्या करता है, गेट एक्साइटेड करता है और वो कन्वर्ट किस में करता है, फ्री एटम में कन्वर्ट करता है। तो आपको यहाँ पर सिंपल वही लिखना है। और कौन से ऑटोमाइजर यूज़ किए जाते हैं, फ्लेम ऑटोमाइजर यूज़ किया जाता है, नॉन फ्लेम ऑटोमाइजर यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रोथर्मल। याद रखना फ्लेम का अपोजिट नॉन फ्लेम, फ्लेम नॉन फ्लेम ऑटोमाइजर और इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइजर। देन है नेबुलाइजर, देन नेक्स्ट इज द नेबुलाइजर। तो नेबुलाइजर भी यहाँ पर है, ऑटोमाइजर भी यहाँ पर है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। नेबुलाइजर का काम क्या है, इट इज़ अ डिवाइस ब्रेक अप द लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। मतलब लिक्विड खींचना है, बाद में लिक्विड का कन्वर्ट स्मॉल ड्रॉपलेट में करना है यूजिंग द जेट कॉम्प्रेस गैस, कॉम्प्रेस गैस का यूज़ करके, ओके। तो नेबुलाइजर कौन से यूज़ किया जाता है, न्यूमैटिक नेबुलाइजर और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, दो नेबुलाइजर यूज़ किए जाते हैं। और ऑटोमाइजर फ्लेम ऑटोमाइजर, नॉन फ्लेम ऑटोमाइजर, इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइजर। सो नेक्स्ट वन इज़ द बर्नर। बर्नर क्या करता है, फ्लेम प्रोवाइड करता है। फ्लेम ही नहीं होगी तो आगे का प्रोसीजर कैसे होगा, तो फ्लेम प्रोवाइड करता है। द यूजेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट, मतलब प्रोपेन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स आर यूज, प्रोपेन एसिटिलीन मिथिलीन, तो ये फ्यूल्स यूज करता है। और ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीजन और उसमें एयर भी प्रेजेंट होता है, आपको ये याद रखना है। देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, हमको क्या करना है, फ्लेम क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और फ्यूल प्रोवाइड करेंगे और इसमें क्या जाएगा, सैंपल जाएगा और बेस ऑफ द फ्लेम, ये बेस ऑफ द फ्लेम है। तो आप ऐसे डायग्राम भी निकाल सकते हो। द बर्नर आर यूज फॉर द स्प्रे द सैंपल इन सोल्यूशन इन फाइन ड्रॉपलेट, ओके। तो कौन से बर्नर यूज़ किए जाते हैं, मेकर बर्नर यूज़ किया जाता है, लैमिनार फ्लो बर्नर यूज़ किया जाता है, लेंडरग्राम बर्नर यूज़ किया जाता है और टोटल कंजप्शन बर्नर, एम एल टी में याद रखने ना, मेकर बर्नर, लैमिनार फ्लो बर्नर और एक एल ए लेंडरग्राम बर्नर और टोटल कंजप्शन बर्नर, ओके। सो ये जो बर्नर है वो टोटल कंजप्शन बर्नर है। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द टोटल कंजप्शन बर्नर। तो अब आपने देख लिया कौन से सैंपल यूज़ किए जाते हैं, ऑटोमाइजर का फंक्शन देख लिया, बर्नर का पूरा फंक्शन देख लिया, फ्यूल एयर, ओके। तो अब हम देखते हैं ये मिरर। तो मिरर क्या है, रेडिएशन इमिटेड बाय द फ्लेम एंड रिलीज द ऑल डायरेक्शन। जब फ्लेम के साथ लिक्विड जाता है तो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है और रेडिएशन क्या होती है, इधर उधर स्प्रेड हो जाती है। तो कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, ऑल डायरेक्शन में जाता है। तो मिरर क्या करता है, बिहाइंड द बर्नर रिफ्लेक्टिंग एंड रेडिएशन बैक टू एंट्रेंस द स्लिट। मतलब वो मिरर क्या होता है, ग्लास का बनाया गया होता है, ग्लास वो रेडिएशन को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है और वो अगेन ट्रांसफ़र कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फ्लेम है, हमारा जो फ्लेम में निकला हुआ रिलीज प्रोडक्ट है वो वेस्ट नहीं जाता और एंट्रांसलिट द मोनोक्रोमेटर, बाद में क्या कहा जाता है, एंट्रांसलिट और मोनोक्रोमेटर में। सो रेडिएशन इज इमिटेड बाय द फ्लेम इज रिलीज द ऑल डायरेक्शन, रेडिएशन ऑल डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मिरर बिठाया हमने, प्लेस इन मिरर बिहाइंड द बर्नर, बर्नर के पीछे, एंड रिफ्लेक्टिंग द रेडिएशन बैक इन इंट्रांसलिट एंड मोनोक्रोमेटर। नेक्स्ट इज द मोनोक्रोमेटर। सो मोनोक्रोमेटर में क्या है, कन्वर्ट द पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू द मोनोक्रोमेटिक इन डिजायर्ड वेवलेंथ। मतलब क्या है, ये हमारा फॉर एग्जांपल लाइट का सोर्स है और वो क्या करता है,
कहाँ से बेस है, मल्टीपल बेस से लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हमने बैठाया मोनोक्रोमेटर। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को सिंगल बीम क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट किया एट अ पर्टिकुलर डिजायर वेवलेंथ। तो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज कन्वर्टेड इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट इन डिजायर वेवलेंथ। सो स्लिट फिल्टर्स, सो स्लिट हम आप यहाँ पर देख सकते हो मोनोक्रोमेटर का फंक्शन भी हो गया। सो स्लिट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द मोनोक्रोमेटर इज पास अ डिजायर सिंगल बीम ऑफ द लाइट। जो स्लिट है हमारा, तो स्लिट का यही काम है कि एक सिंगल बीम में लाइट पास करना। यहाँ पर है कि और यहाँ पर है कि टू स्लिट्स आर देयर, फर्स्ट वन इज द एंट्रेंस स्लिट, सेकेंड वन इज द एग्जिट स्लिट। ओके, डिटेक्टर, डिटेक्टर का काम क्या होता है, कन्वर्ट द रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच कैन बी इजीली रीड आउट थ्रू द रीडिंग सिस्टम। मतलब हमने यहाँ पर डिटेक्टर देख लिया, डिटेक्टर में कौन सा, फोटो डिटेक्टर और फोटो ट्यूब्स, मतलब जो हमने यूवी रेडिएशन और यूवी में देख लिया था वही डिटेक्टर हमको यूज़ करना है। कौन सा है, फोटो डिटेक्टर एंड पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। ओके, सो ये डिटेक्टर क्या करता है, जो सिग्नल्स आते हैं, द सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिकॉज ऑफ इन दैट रिकॉर्डिंग सिस्टम वी कैन इजीली फाइंड आउट द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। सो हमने देख लिया पीएमटी एंड फोटो ट्यूब्स, दिस इज द डिटेक्टर आर यूज इन दिस फ्लेम फोटोमीटर। देन एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन में आपको कुछ भी रटना नहीं है। पहले तो बात, एप्लीकेशन में यही लिखना है कि आपको क्या पता चल गया, अल्कलीन अल्कलाइन मेटल हमने यूज़ किया है, तो यूज़ द डिटेक्टिव मेटल्स ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट अल्कलीन अल्कलाइन, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम लिथियम बैरियम, ये इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। इसकी इंटेंसिटी पता चलती है, कौन सा मेटल प्रेजेंट है मेटालिक कंपाउंड और मेटालिक सोल्यूशन में, वो इजीली पता चल जाता है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस, क्वालिटेटिव मीन्स हमको एलिमेंट का पता चल गया, क्वांटिटेटिव मीन्स वो कितना एलिमेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है फ्लेम के साथ कंबाइन होके, वो भी पता चल गया। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द वाटर एनालिसिस, वाटर एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, ग्लास एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल फ्लूड और मेटल का आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ द फ्लेम और फ्लेम फोटोमीटर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर से मैं बता रही हूँ इन शॉर्ट कि हमने देख लिया फ्लेम का यूज़ क्या है, अल्कली अल्कलाइन मेटल में यूज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन में देख लिया, सैंपल है मेटालिक सैंपल प्रेजेंट है, उसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट है मेटल प्रेजेंट है, ऑटोमाइजर ने वो खींच लिया ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्जन कर दिया, फ्लेम के साथ कंबाइन होकर फ्लेम इधर उधर जाएगी, इसके लिए कॉनकेव मिरर बिठाया, फिर वो मिरर क्या करेगा, आगे वो रेडिएशन पास करेगा, फिर यहाँ पर लेंस बिठाए, लेंस ने पूरा एब्सॉर्ब कर लिया, यहाँ पर स्लिट है, स्लिट का काम क्या है, सिंगल बीम कन्वर्ट करना, सिंगल बीम में मोनोक्रोमेटर के पास गया, मोनोक्रोमेटर पॉलीक्रोमेटिक, बहुत सारी जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट किया, और अगर अगेन सिंगल बीम में कन्वर्ट करके फोटो डिटेक्टर के पास ले गया। फोटो डिटेक्टर ने क्या किया कि फोटो डिटेक्टर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और रिकॉर्डिंग सिस्टम में हमको पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ का पता चल गया। तो हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।